गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग बढ़िया होगे यार। सो काफी लोगों ने कमेंट में मुझसे पूछा भाई कि जो आपने ऑरेंज रंग की लाइट लगाई है ना आगे, ये लाइट का कॉस्ट कितना है और आपने ये लगाई कैसे है। तो चलिए आज इसकी वीडियो अपन इसी चीज़ के ऊपर रहेगी कि हमने जो ऑरेंज कलर की बाहर लाइट लगाई है, ग्रिल लाइट इसको कहते हैं हम, ऑफ रोड लाइट भी कुछ लोग कहते हैं, तो उसका इंस्टॉलेशन और लगी कैसे है और कितना खर्चा वगैरह आया और क्या कैसे एक्सपीरियंस उसका। तो चलिए उसी की बात करेंगे आज अपन इस वीडियो में। तो सबसे पहले क्या करते हैं अपन, बोनट को उठाते हैं और मैं आपको इसकी वायरिंग दिखाता हूँ पहले। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पर अंदर कि ये जो तार दिख रहे हैं ना, ये है भाई इसकी वायरिंग। मोंटू को मैं बोलूँगा भाई मोंटू टॉर्च जला। बाहर से पहले तो मैंने इन लाइटों का किया है कि बाहर से ना फेविक्विक से चिपका दिया है, और फेविक्विक से क्योंकि इसमें ना दो स्क्रू लगाने का भी ऑप्शन है और आप चाहो तो उसकी पत्ती लगा सकते हो। तो उसमें मेरे साथ इसमें पत्ती तो थी नहीं कोई लगाने का ऑप्शन, तो मैंने सोचा कि फिर इसको मैंने हल्के हल्के फेविक्विक से चिपका रखा है। और मैंने पहले ये सोचा था कि अगर यहाँ पर जगह होती ना ऊपर की तरफ, तो मैं ऊपर एक दो करके लगाता तो ऊपर ये लाइट बहुत अच्छी लगती है, पर ऊपर हमन को जगह नहीं मिली तो फिर मैंने नीचे लगा दिया। वरना कुछ लोग बीच में भी लगाते, पर मैंने बीच में इसलिए लगाया क्योंकि जिसका 7 स्लॉट वाला ऑप्शन है ना वो फिर ख़राब लगने लगता, तो फिर मैंने नीचे लगा दिया। और ये सारी चिपकाई हुई हैं और ये सारी जितनी भी लगी ना लाइट, आप ये देखो ये सारी कपलर से फिट है। ये देखो ये है, ये कपलर है, तो हर लाइट में एक एक कपलर है। और इसकी जो वायरिंग है भाई वो प्रॉपर इसकी वायरिंग मिली है, और इसकी वायरिंग जो मैंने है यहाँ से इसमें कपलर लगा है और वो घूम कर जो तार आए हैं इस वायरिंग के वो यहाँ पर आए हैं। ये जो आप देख रहे हो ये रेड कलर का तार है और ये है भाई इसका ग्राउंड का तार। ये देखो इस लाइट का ये ग्राउंड का तार है और वायरिंग पीछे से अंदर से घूमती हुई, ये देखो ये इसकी वायरिंग है। जो ये जो इंसुलेशन देख रहे हो ना अब ये इसके साथ ही मिली है बाकायदा, तो ये जो पूरी वायरिंग है तो मतलब कि जलने वलने का भी कोई चांस नहीं है। तो पूरी वहाँ से वायरिंग घूमते हुए यहाँ से आई है और अंदर इंजन कंपार्टमेंट से घूमकर जो इसके कनेक्शन आए हैं, इसके कनेक्शन इधर आए हैं ये वाले स्विच में। मैं आपको दिखाऊँ ये जो स्विच है, ये स्विच कंट्रोल कर दोगे अब बंद कर दोगे तो लाइट बंद हो जाएगी, वरना ये हमेशा DRL मोड पर रहेगी कि जैसे ही आप चाबी ऑफ़ करोगे या हल्का सा ऑन करोगे। और मोंटू को बोलूँगा ना वो चाबी ऑफ़ करके ऑन कर, गाड़ी मत ऑन करना बस चाबी ऑफ़ कर दे। और देखो तो अभी ये लाइट बंद हो गई है, और एक बार ऑन कर दे, देखो अभी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई है पर जैसे चाबी से गाड़ी ऑन हो गई है मतलब म्यूजिक सिस्टम वगैरह खुल गया तो ये लाइट खुल गई है। पर ये डिपर मार रहा है, एक बार फिर से ऑफ़ कर गाड़ी ऑफ़ कर, ये बंद हो गई है, फिर से ऑन कर। तो मैं थोड़ा सा ना पीछे जाकर आपको दिखाता हूँ, तो जो उसका लुक आता है ना बहुत ठीक ठाक सा लुक आता है इसका, और आप ये देख सकते हो। तो मतलब कि बड़ी शायद SUV में ना ये जो गाड़ी की लाइटें होती हैं इस लाइट का जो रिस्पांस आता है ना तो बहुत अच्छा निकल के आता है। तो ये देखो मोंटू भाई को मैंने डिपर देने का बोला है, तो मतलब वो देखो आप बढ़िया लगती है काफ़ी हद तक ये लाइट। और इसकी मैं जो और एक दो चीज़ें बता दूँ इस लाइट के बारे में, ये वाटरप्रूफ लाइट है वैसे तो, और काफ़ी इसने मतलब पानी वगैरह झेला है क्योंकि मैंने लद्दाख जाने से पहले ये लाइट लगवाई थी, तकरीबन अप्रैल में लगवाई थी ये लाइट, और अभी तक वीडियो बना रहा हूँ मैं नवंबर में, तो अभी तक ये लाइट चल रही है। सो कोई दिक्कत नहीं हुई है, बस ये है कि आप इंस्टॉलेशन जो इसका कराओगे ना वो ऐसी जगह से करवाना है इंस्टॉलेशन जहाँ पर इसकी जो फिटिंग है वो बहुत अच्छी तरीके से हो पाए, वरना जो इसकी फिटिंग है ना ये धीरे धीरे करके लाइटें निकलने लगेंगी बाहर। और एक बार मैं आपको उसका स्विच वगैरह दिखा दूँ, वैसे तो जो मैंने इसका जो 4x4 का ऑप्शन था ना उधर मैंने इसका स्विच लगाने की सोची थी इस जगह पर, पर उनने ये बोला था मोंटू की कटिंग करने में दिक्कत होगी, बॉडी कट जाएगी, वरना इधर भी आप ऊपर ऑक्सिलरी लाइट की तरह लगा सकते थे, पर फिर मैंने नीचे लगवा दिया। और जिससे क्या होता है कि जैसे कि आप इसको मैं पैनल मोंटू को मैं कैमरा दूंगा, मैं कैमरा पकड़ मैं दिखा रहा यार। तो ये है भाई इसका स्विच, यहाँ पे आप देख सकते हो ये इसका जो स्विच है, और ये स्विच लगा भाई कटिंग होकर हो गई। मोस्टली जितनी भी स्कॉर्पियो वगैरह गाड़ी होती है ना उसमें जो होता है साइरन वगैरह भी लोग लगवाते हैं वो ज़्यादातर नहीं लगवाते, इसी जगह पे लगवाते हैं, तो हमने भी और उनको भी आता भी था इसी जगह पर। और आप चाहो तो यहाँ से इसे ऑफ भी कर सकते हो, और इसका कोई ऐसा सच खास वो नहीं पड़ता है मतलब बैटरी पे लोड भी कोई नहीं आता है। और इसकी हाँ जो और इसको जो मैं जहाँ से पावर दिया है ना भाई, मैंने पावर दिया उसके यहाँ से, यहाँ पर बहुत सारे एक्स्ट्रा कपलर मिलते थे तो वहाँ से मैंने इसको पावर दे दी थी, और बस इतना ही है इसका। और मैं चलो एक दो क्लिप्स होंगी तो इस लाइट की क्लिप्स आपको डाल दूंगा तो इससे आपको पता चल जाएगा। और बात करें भाई इस लाइट की प्राइसिंग की, तो भाई केवल 1000 रुपये की हमें लाइट पड़ी थी, 1200 रुपये लगवा कर स्विच के साथ।
और एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, इस लाइट में ना स्विच जो लगाओगे आप, जो मैंने दिखाया ना वो होम लाइट वाला, मतलब होम के कल स्विच आता है वो वाला लगवाना, वो जो डंडी वाला स्विच आता है ना जो ऊपर खींच देते हैं, कार्बन आ जाता है प्लस वो काम भी नहीं कर रहा था इसमें, तो वो वाला स्विच भी आप मत लगवाना, वो वर्क नहीं करेगा। आप नॉर्मल वाला स्विच ले लेना, जितना अच्छा हो सके उतना स्विच ले लेना, वो आपके लिए बढ़िया रहेगा। सो भाई आज की इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट इंटरेस्टिंग स्कॉर्पियो वीडियो। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और मेक श्योर अगर आपको डाउट है तो कमेंट करके हमें बताएं। अगर आपको हमारे चैनल अच्छा लगा और ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।